इस समय हम लोग स्थल मंडल टॉपिक तैयार कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है भ्रंशन। इससे पहले हमने वलन पढ़ा था। भ्रंशन और वलन ये दोनों पर्वत निर्माणकारी बल के अंतर्गत आते हैं। आज के टॉपिक को समझने के लिए हमने कुछ कंटेंट्स तैयार किए हैं। इस कंटेंट्स के तहत हम इसे तैयार करेंगे। सबसे पहले भ्रंशन यानी फॉल्ट की परिभाषा, इसके बाद भ्रंशन के प्रकार, कितने प्रकार के भ्रंशन होते हैं ये हम देखेंगे। तो इस भ्रंशन में सबसे पहले हम सामान्य भ्रंश की बात करेंगे, नॉर्मल फॉल्ट। सामान्य भ्रंश अर्थात नॉर्मल फॉल्ट। इसके उपरांत दूसरा एक प्रकार होता है जिसे हम लोग व्युत्क्रम भ्रंश या रिवर्स फॉल्ट बोलते हैं, और जो तीसरा भ्रंशन का प्रकार है जिसे हम लोग सोपानी भ्रंश या स्टेप फॉल्ट कहते हैं। इसके बाद भ्रंशन के कारण निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां हम लोग समझेंगे, और मुख्यतः चार स्थलाकृतियां हैं जो भ्रंशन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। एक एक करके इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले भ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली, रैंप घाटी जिसे रैंप घाटी कहते हैं, और भ्रंशोथ पर्वत जिसे ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, और तीसरी जो महत्वपूर्ण स्थलाकृति है इसे हॉर्स्ट पर्वत कहते हैं। तो इस प्रकार इस टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस टॉपिक को यदि समझना है तो माइंड में फिगर का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप टॉपिक को समझते वक्त अपने माइंड में फिगर नहीं बैठा पाएंगे या फिगर की स्केचिंग नहीं कर पाएंगे तो ये टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर माइंड में फिगर को बनाना बहुत ज़रूरी है। और अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे भ्रंशन की परिभाषा। भूपटल में एक तल के सहारे, पहली बात हमने क्या बताई है, भूपटल में एक तल के सहारे। चट्टानों के स्थानांतरण से उत्पन्न संरचना को, चट्टानों के स्थानांतरण से उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहा जाता है। इसको फिर से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा भूपटल है और इस भूपटल पर मान लेते हैं कोई एक ये तल है, सरफेस तल, और इस तल के सहारे यदि किसी भी प्रकार से चट्टानों में स्थानांतरण हो जाता है तो जो संरचना निर्मित होती है उस संरचना को हम लोग भ्रंश कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई एक चट्टान ये थी और किसी वजह से मान लेते हैं इस तल के सहारे चट्टानों में गतिशीलता उत्पन्न हो जाए तो उस तल के सहारे जो निर्मित संरचना होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, भ्रंश। अब देखिए, कोई भी स्थानांतरण बिना ऊर्जा के संभव नहीं है और इस ऊर्जा से बल उत्पन्न होता है। तो इस भ्रंशन के लिए दो प्रकार के बल महत्वपूर्ण होते हैं। पहला बल तनाव बल कहा जाता है और दूसरा बल संपीड़न बल कहा जाता है। अर्थात भ्रंश के निर्माण के लिए तनाव और संपीड़न बल दोनों ही जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर
बात है जो ध्यान देनी है वो क्या है कि संपीड़न बल की तुलना में, इस बल की तुलना में तनाव बल अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, एक भ्रंश की परिभाषा निकालते हैं कि भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों के स्थानांतरण से उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहा जाता है। और अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि इसकी उत्पत्ति तनाव और संपीड़न बल के कारण होती है, और संपीड़न बल की तुलना में तनाव बल अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है भ्रंश के निर्माण में। हम आपको पहली क्लास में बता चुके हैं कि तनाव बल क्या होता है और संपीड़न बल क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ये चट्टान है और इस चट्टान में कोई बल विपरीत दिशा की ओर कार्य करने लगे तो ऐसे बल को कह दिया जाता है तनाव। जैसे कोई एक स्प्रिंग है, उसको हम खींचें तो उस स्प्रिंग में तनाव बल उत्पन्न करके ही उस स्प्रिंग को खींचा जा सकता है। और ऐसी स्थितियां स्थलमंडल में चट्टानों में अत्यधिक दिखाई पड़ती हैं कि वहां पर तनाव बल क्या है, जब काम करता है तो चट्टाने क्या हैं, खींचने लगती हैं। दूसरा संपीड़न, जैसे हम स्प्रिंग लें और उस स्प्रिंग को दोनों सहारों से दोनों किनारों से उसको दबाएं तो उस पर जो बल काम करेगा वो बल क्या कहलाएगा, संपीड़न बल। तो चट्टानों में भ्रंश के निर्माण में बल तो दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन संपीड़न बल की तुलना में तनाव बल अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ये चट्टान है और इस चट्टान पर संपीड़न बल कार्य करने लगे तो ये चट्टान क्या है, दब जाएगी। और यदि ये चट्टान मजबूत है तो ये दबने के स्थान पर ये चट्टान बीच से क्या करेगी, क्रैक कर जाएगी। तो यहां पर जो संरचना निर्मित हुई है वो संरचना क्या है, भ्रंशन। जैसे मान लेते हैं, दूसरे रूप में देखते हैं, जैसे कि कोई चट्टान है और इस पर तनाव बल काम करने लगे तो परिणाम स्वरूप ये चट्टान क्या है, तनाव बल के प्रभाव में आकर के टूट जाती है और ये भाग जो निर्मित होता है ये भाग क्या कहलाएगा, भ्रंशन। अब हम आते हैं भ्रंशन के प्रकार। हमने आपको अभी बताया है कि भ्रंशन तीन प्रकार का होता है, सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश और तीसरा है सोपानी भ्रंश। तो सबसे पहले हम किसको समझेंगे, सामान्य भ्रंश को। पहली बात आपको क्या समझनी है कि यहां पर तनाव बल प्रभावी होता है, यानी इस भ्रंश के निर्माण में तनाव बल की भूमिका प्रमुख होती है। अर्थात सामान्य भ्रंश के उत्पन्न होने के लिए या सामान्य भ्रंश के निर्माण के लिए तनाव बल एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अगली बात आपको क्या समझनी है कि इस तनाव बल के कारण चट्टानों के टुकड़े विपरीत दिशा में चले जाते हैं। इस तनाव बल के कारण चट्टानों के टुकड़े विपरीत दिशा में चले जाते हैं, परिणाम स्वरूप सामान्य भ्रंश का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने क्या बताया कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक चट्टान ये है और इस पर तनाव बल कार्य करने लगे, परिणाम स्वरूप ये चट्टान टूट जाती है और टूटने के फलस्वरूप ये जो भ्रंश निर्मित होती है इस भ्रंश को हम लोग क्या कह देते हैं, सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश के बाद हम लोग आएंगे व्युत्क्रम भ्रंश पर। व्युत्क्रम भ्रंश
जहां पर सामान्य भ्रंश में तनाव बल प्रमुख था, ठीक इसके विपरीत जब हम व्युत्क्रम भ्रंश का अध्ययन करते हैं तो यहां पर संपीड़न बल महत्वपूर्ण हो जाता है। संपीड़न बल, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक चट्टान ये है और इस चट्टान पर आमने सामने की ओर से बल कार्य कर रहा है, ऐसे बल को क्या कहा जाता है? संपीड़न बल। यानी तनाव बल के ठीक विपरीत संपीड़न बल की दिशा विपरीत होती है, जहां पर बल किसी भी चट्टान पर आमने सामने की ओर कार्य करता है। यहां पर क्या होता है कि जैसे जैसे संपीड़न बल की मात्रा बढ़ती चली जाती है और चट्टान टूट गई, टूटने के फलस्वरूप यह चट्टान एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। ये स्थिति, ऐसी कुछ स्थिति दिखाई पड़ती है। तो ऐसी निर्मित संरचना जहां पर संपीड़न बल प्रभावी हो और परिणाम स्वरूप ये चट्टान टूट जाए, टूटने के कारण ये चट्टान का एक सिरा दूसरी चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है और ऐसी निर्मित भ्रंश को क्या कह दिया जाता है? व्युत्क्रम भ्रंश। अगर हम भारत के संबंध में इसके उदाहरण की बात करें, पश्चिमी घाट कगार, भारत में कहां पर? पश्चिमी घाट कगार। दूसरा, विंध्य क्षेत्र में अनेक लटकती घाटियां दिखाई पड़ती हैं। विंध्य क्षेत्र में पहाड़ियों के सहारे अनेक छोटी छोटी लटकती हुई घाटियां दिखाई पड़ती हैं। ये घाटियां क्या हैं? व्युत्क्रम भ्रंश के कारण ही निर्मित होती हैं। यहां पर एक बात और बता दें कि जो छोटे छोटे जलप्रपात निर्मित होते हैं, ये जलप्रपात भी व्युत्क्रम भ्रंश के सहारे निर्मित होते हैं। व्युत्क्रम भ्रंश के बाद हम तीसरे भ्रंश पर आते हैं जिसका नाम है सोपानी भ्रंश। देखिए, सोपान का शाब्दिक अर्थ है सीढ़ी नुमा। यहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर भ्रंशन एक बार ना हो करके कई बार होता है, अनेकों बार भ्रंशन होता रहता है और इस भ्रंशन की दिशा हमेशा एक ही होती है। हमने क्या बताया? सोपानी भ्रंश का, सोपान शब्द का अभिप्राय सीढ़ी नुमा है। और दूसरी बात हमने आपको क्या बताया कि यहां पर भ्रंशन की प्रक्रिया एक बार न होकर के अनेकों बार होती है। और जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि जो भ्रंशन की दिशा है एक ही तरफ होती है और वह भी एक किसी तल के सहारे। यानी भ्रंशन कई बार हो रहा है, भ्रंशन एक ही दिशा में हो रहा है और भ्रंशन का जो तल है, उसकी जो डायरेक्शन है, वो बदलती नहीं है। इस प्रकार जो संरचना निर्मित होती है, ऐसी निर्मित संरचना को क्या कह दिया जाता है? सोपानी भ्रंश या स्टेप फॉल्ट या सीढ़ी नुमा भ्रंश। इसके अगर उदाहरण की बात करें तो विश्व में जर्मनी की राइन घाटी, जर्मनी की राइन घाटी क्या है? सोपानी भ्रंश का उदाहरण है। इसके बाद हम आते हैं भ्रंशन के कारण निर्मित स्थलाकृतियां, किस प्रकार भ्रंशन से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। भ्रंशन से
निर्मित स्थलाकृतियां। जब हम भ्रंशन से निर्मित स्थलाकृतियों की बात करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति है जिसका हम लोग सबसे पहले अध्ययन करते हैं वो क्या है, भ्रंश घाटी, या इसे हम लोग क्या कह देते हैं, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक चट्टान ये थी और इस पर तनाव बल कार्य कर रहा था, परिणाम क्या होता है कि ये चट्टान टूट जाती है। टूटने के फलस्वरूप सामान्य भ्रंश का निर्माण होता है और इस भ्रंश के सहारे एक घाटी निर्मित होती है। इस घाटी को क्या कह दिया जाता है, इस घाटी को कह दिया जाता है भ्रंश घाटी। यहां पर जो बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, भ्रंश वाले स्थान का कुछ भाग नीचे की ओर धस जाता है और तनाव बल के प्रभाव के कारण चट्टानें क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। इस रिफ्ट वैली को जर्मन भाषा में ने क्या बताया कि इस रिफ्ट वैली को जर्मन भाषा में ग्राबेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्राबेन। एक विद्वान है जिनका नाम था ग्रेगरी महोदय। इन्होंने सबसे पहले पूर्वी अफ्रीका में भ्रंश घाटी का विधिवत तरीके से अध्ययन किए थे और उन्होंने ही इस भ्रंश घाटी को भ्रंश घाटी का नाम दिया था। जब हम पूर्वी अफ्रीका में आएंगे तो इस क्षेत्र में विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी स्थित है जिसकी लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर है। उत्तर में ये घाटी उत्तरी सीरिया से प्रारंभ होती है और दक्षिण में आएंगे तो यहां पर आपको जाम्बेजी नदी मिलेगी। इस यहां से यहां तक की दूरी लगभग 5000 किलोमीटर है और विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी मानी जाती है। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण झीलें भी हैं। जैसे हम अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो सबसे उत्तर आपको विक्टोरिया झील मिलेगी जो इसी भ्रंश घाटी में है। विक्टोरिया झील के दक्षिण में आएंगे तो दूसरी झील उसके दक्षिण में टंगानिका मिलेगी और दक्षिण में आएंगे तो आपको मलावी झील मिलेगी। ये सारी झीलें किसका उदाहरण है, भ्रंश घाटी का। इन झीलों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि ये झीलें लंबी होती हैं और चौड़ाई में कम होती हैं। इसके अलावा हम भ्रंश घाटी की बात करेंगे, जर्मनी में राइन नदी घाटी। भ्रंश घाटी का महत्वपूर्ण उदाहरण है। हम स्कॉटलैंड में आएंगे तो मिडलैंड, स्कॉटलैंड में आएंगे तो मिडलैंड भ्रंश घाटी मिलेगी। भारत में अगर आएंगे तो नर्मदा के बाद तापी और तापी के बाद दामोदर नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो ये कुछ रिफ्ट वैली के उदाहरण हैं और हमने आपको क्या बताया, सामान्य सी भाषा में जब किसी चट्टान पर तनाव बल काम करता है तो चट्टान टूट जाती है और उस वहाँ पर भ्रंश निर्मित होती है और भ्रंश का भाग नीचे की ओर धस जाता है जिसके परिणाम स्वरूप इस भ्रंश घाटी का निर्माण होता है और विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी अफ्रीका महाद्वीप में है। वहाँ पर पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में आएंगे तो वहाँ पर
अनेकों अनेक झीलें हैं, और उसके अलावा जर्मनी में राइन नदी है, स्कॉटलैंड में मिडलैंड भ्रंश घाटी है, और भारत में नर्मदा तापी और दामोदर नदियाँ भ्रंश घाटी में ही प्रवाहित होती हैं। भ्रंश घाटी के बाद हम आते हैं एक दूसरी महत्वपूर्ण संरचना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रैंप घाटी। समझते हैं क्या होती है रैंप घाटी? देखिए रैंप घाटी, जैसे मान ले, यहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, भ्रंश घाटी में कौन सा बल काम कर रहा था? तनाव बल। लेकिन यहां पर जो बल प्रभावी होता है वो बल क्या है? संपीड़न बल। यहां पर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक चट्टान है, तो यहां पर जो बीच का भाग होता है वो भाग स्थिर होता है, और जो किनारे का भाग है ये भाग क्या है, ऊपर की ओर उठ जाता है। तो परिणाम स्वरूप इस घाटी का निर्माण हो जाता है, यानी बीच का भाग क्या है, स्थिर है, लेकिन किनारे के भाग क्या हैं, ऊपर की ओर उड़ जाते हैं, या वो भाग गतिशील होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जिस घाटी का निर्माण होता है उस घाटी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रैंप घाटी। और इसका विश्व में अगर सबसे अच्छा उदाहरण देखा जाए तो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी का बहुत अच्छा उदाहरण है। रैंप घाटी के बाद हम तीसरी संरचना पर आते हैं, जिसका नाम है भ्रंशोथ पर्वत। भ्रंशोथ पर्वत, यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक चट्टान है, और इस चट्टान में मध्य का भाग स्थिर हो, मान लेते हैं ये मध्य का भाग है, ये मध्य का भाग क्या होता है, स्थिर होता है, लेकिन किनारे का भाग लंबवत बल के प्रभाव में आकर नीचे की ओर खिसक जाता है, नीचे की ओर खिसक जाता है। हमने क्या बताया कि मध्य का भाग स्थिर है, लेकिन किनारे का भाग नीचे की ओर क्या है, खिसक जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये बीच वाला भाग उठा हुआ महसूस होता है ऊपर की ओर। जैसे ये भाग नीचे की ओर चला आया तो ये जो ऊपर का ये वाला भाग, ये मान लेते हैं सतही तल है, तो ये वाला भाग ऊपर उठा हुआ भाग दिखाई पड़ता है। इस उठे हुए भाग को भ्रंशोथ पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रंशोथ पर्वत। अगर हम इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखें तो यूरोप में वास्चेस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, यूरोप में वास्चेस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत क्या है? भ्रंशोथ पर्वत के उदाहरण हैं। अगर हम पाकिस्तान में जाएं तो पाकिस्तान में साल्ट रेंज मिलती है, पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है साल्ट रेंज, ये भी क्या है, भ्रंशोथ पर्वत का उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूएसए में एक राज्य है जिसका नाम है ओरेगन। ओरेगन राज्य में जाएंगे तो वहां पर स्कीन्स पर्वत, क्या है, स्कीन्स पर्वत, ये क्या है, भ्रंशोथ पर्वत के उदाहरण। वहीं अगर हम कैलिफोर्निया में आए तो कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा,
ये क्या है, भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण है। भ्रंशोत पर्वत को माइंड में फिगर बना करके रखना है कि बीच का भाग क्या हो, स्थिर हो, लेकिन किनारे का भाग क्या है, नीचे की ओर धस जाए, इसलिए बीच का भाग क्या है, उठा हुआ प्रतीत होता है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, भ्रंशोत पर्वत। अब हम आते हैं तीसरी महत्वपूर्ण संरचना है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, हॉर्स्ट माउंटेन या हॉर्स्ट पर्वत। हॉर्स्ट पर्वत यहां पर देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक चट्टान है, यहां पर क्या होता है, भ्रंश के किनारे का भाग यथावत रहता है। ये मान लेते हैं कोई एक भ्रंश थी, तो ये भाग किनारे वाला भाग क्या है, स्थिर या यूं कह लें यथावत है, अपनी जगह पर स्थिर है। लेकिन जो बीच का भाग हो, ये वाला भाग, ये क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। ये वाला भाग, बीच का भाग क्या हुआ, ऊपर की ओर उठ गया। ऐसे निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है, हॉर्स्ट माउंटेन या हॉर्स्ट पर्वत। यानी किनारे का भाग अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन बीच का भाग क्या है, ऊपर की ओर उठ जाए, तो ऐसे निर्मित संरचना को क्या कह देते हैं, हॉर्स्ट माउंटेन या हॉर्स्ट पर्वत। इसका विश्व में जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो कहां पर देखने को मिलता है, जर्मनी में। और जर्मनी में उसका नाम ही क्या दे दिया गया है, हॉर्स्ट पर्वत। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जैसे रिफ्ट घाटी और रैंप घाटी एक जैसी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इसके निर्माण के पीछे अलग अलग कारक जिम्मेदार होते हैं, वहीं भ्रंशोत पर्वत और हॉर्स्ट पर्वत एक जैसे दिखाई पड़ते हैं बाहर से देखने पर, लेकिन उनके निर्माण के पीछे अलग अलग कारक जिम्मेदार होते हैं, अलग अलग तरीके से वो निर्मित होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। Drop the funky bass.